हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। इस दिवाली की ढेरों आपको शुभकामनाएं देता हूं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है दिवाली का टाइम है, वीडियो नहीं देखोगे, दो क्वेश्चंस कर लो बस, ठीक है। जब भी समय मिले इन दो क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। एक दिन ऐसे ही जा रहा है आपका, बट ठीक है, मेरे कहने पे एक तो कल का होमवर्क, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, रेनमैन वाली प्रॉब्लम्स खत्म, फिर रिवर बोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक। मुझे पता है अभी पढ़ने का मूड नहीं है, ये नहीं है, मुझे तो सारा एनालिटिक्स दिखता है ना चैनल का, आई नो दिस ऑलरेडी, राइट। तो मैं ज्यादा आपका समय भी बेकार नहीं करूंगा, ठीक है। चलो देखो, रेन पड़ रही है। क्वेश्चन होमवर्क का तो यही था कि देखो यार, बारिश हो रही है और इस बारिश में एक आदमी भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसको ये अपने पीठ पे 45 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ रही है, सही। तो मैं ये बोल देता हूं Vx और ये Vy, राइट। हा या ना, क्लियर है। अब अगर मैं पर्सन के हिसाब से, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन देखूं, तो देखना यार, ये इधर तो Vx है, ये रहा Vy, और मुझे क्या लगता है पर्सन का उल्टा करके जोड़ दो यहां पे, ये हो गया 4। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Vx माइनस 4 और इधर आ गया Vy, ये रिजल्टेंट है और ये रहा 45 डिग्री। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर Vx माइनस 4 अपॉन में बेस Vy। tan 45 कितना होता है 1, यानी Vx माइनस 4 बराबर Vy, इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन निकल के आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये कंडीशन नंबर 1 थी, ये थी इसमें कंडीशन फर्स्ट। अब हमने देखा सेकंड कंडीशन कि जब अपने उस जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो हुआ क्या, ये पर्सन अब भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और जो रेन इसको आती हुई दिखाई पड़ रही है अब सामने से प्रतीत हो रही है, और सामने से भी कितना एंगल, 45 डिग्री, क्लियर है, वर्टिकल के साथ। तो इसी को अभी हम लोग ब्रेक डाउन करके देखेंगे, कॉपी करें इसे, फिर ब्रेक डाउन करते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज, कॉपी इट डाउन। चलो आगे बढ़े, देखो तो इस पर्सन को इधर से आती हुई दिखाई पड़ रही है, मतलब इसका जो कंपोनेंट है ये है Vx डैश और Vy डैश, सही है, 45 डिग्री।
अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन देखोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पर्सन की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो, इधर जा रहा था भाई, पर्सन किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अरे बोलो यार यस और नो, यदि पर्सन ही इस तरफ जा रहा है तो अब इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है ना हमें, इसकी वेलोसिटी को क्या करना है, उल्टा करके जोड़ देना है। तो देखो पर्सन का रनिंग ये रहा, इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड माइनस की ये रही, तो माइनस करके ही तो जोड़ना था, अरे हाँ या ना, इज इट क्लियर, यानी कि इस बार क्या आएगा, मतलब रेन तो ऐसे ही जा रही थी, रिजल्टेंट इधर आ गया, 12 अब इधर ज्यादा हो गया ना, पहले कम था 4, तो ये कितना लिखेंगे हम, वी एक्स माइनस 12 की जगह 12 माइनस वी एक्स, समझे, ठीक, ये वाला वी वाई, क्योंकि रेन के हमेशा अपोजिट में ही जा रहा है ना ये, राइट 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे टेन 45 डिग्री की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 1, और होगा कितना, बेस 12 माइनस वी एक्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई, तो यानी कि आ गया निकल के 12 माइनस वी एक्स डैश है ना यार, क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया 12 माइनस वी एक्स डैश, डैश क्यों लेंगे, गड़बड़ डैश नहीं लेना है, ध्यान दो क्यों नहीं लेना है डैश, क्योंकि रेन का तो कहानी उतना ही है ना, रेन में थोड़ी ना बदलाव हो रहा है, पर्सन अपनी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो फिक्स है, वी एक्स और वी वाई उसी के कंपोनेंट है, तभी तो 12 माइनस वी एक्स किया, राइट, वी एक्स वी वाई उतने ही है, आदमी को वैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई है, राइट, ठीक है, बराबर वी वाई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को पकड़ो, पहली क्या थी, वी एक्स माइनस 4 बराबर वी वाई, दूसरी है 12 माइनस वी एक्स बराबर वी वाई, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो ये दोनों कट जाएगा, 8 बराबर वी वाई 2 वी वाई, यानी कि वी वाई बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, सही है, उसी प्रकार से वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा 4 + 4 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन आ कितनी गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गई 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो बाय डिफॉल्ट माइनस ही हुई, राइट, क्योंकि हम लोग क्या लेके चलते हैं, ये वाला एक्सिस पॉजिटिव, ये वाला एक्सिस पॉजिटिव, उधर वाले ऑपोजिट सारे नेगेटिव रहते हैं, हाँ या ना, कॉपी कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, करो कॉपी,
चले आगे आगे बढ़े। देखो, ए पर्सन इज मूविंग विद 4 meters per second in positive x direction so that he feels the rain to be vertical when he increases his speed to 8 meters per second, the rain appears to from front at 8 meters per second. ठीक है, find the velocity of rain. स्पीड नहीं पूछा है, वेलोसिटी पूछी है विद डायरेक्शन। क्लियर है? करो इसे, ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा। ट्राई करो इसे एक बार, फिर मैं कराऊंगा। ट्राई कीजिए इसे। चले आगे, कराऊ मैं? देखो, कंडीशन वन, देखो पिछले जैसा ही है। चार मीटर पर सेकेंड ना, ठीक है। सबसे पहली बात, कंडीशन वन समझने से पहले ये देखिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन बी वी वी एक्स आई कैप वी वाई माइनस जे कैप। नीचे ही आ रही है ना, इसलिए माइनस है ना। यानी कि क्या हो गया ये, वी बराबर वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। अब हम लोग सेपरेटली अलग अलग कंडीशंस का एनालिसिस करेंगे। Vx क्या है एंड Vy क्या है। वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, ये हो जाएगा वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। सही है? तो वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन।
आइए आगे बढ़े, ठीक है। तो अब जब देखो कंडीशन वन लगा दो, पहली कंडीशन, तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? व्हाट डज द फर्स्ट कंडीशन टेल यू? फर्स्ट कंडीशन टेल्स यू दैट परपेंडिकुलर ना रेन, यानी कि vx माइनस फोर बराबर जीरो, vx की सीधी सीधी वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। कब होता था देखो, मतलब कैसे आए कि whenever x component of rain is equal to velocity of person with respect to ground, then only vx minus velocity of person with respect to ground बराबर जीरो and vertical rain की condition आएगी। और रेनफॉल कैसा प्रतीत होगा? वर्टिकल। लॉजिक क्लियर है? ये क्या हो गया भाई, लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना, आई बात समझ में? क्लियर। अब कंडीशन नंबर टू, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। सो व्हाट डज द सेकंड कंडीशन टेल अस? ये बोल रहा है कि सामने से आ रही है, सही, सामने से आ रही है रेन, तो ये 45 डिग्री, मैं बता चुका हूं कि ये कितना होगा v, मतलब 8 माइनस vx, इतना ही तो आया, तभी तो है ये, और ये vy, नहीं इधर 8 से भाग रहा है, मतलब ये बेसिकली किससे भाग रहा है? ग्राउंड पे 8 मीटर पर सेकंड से। तो 8 को उल्टा करके जब जोड़ा इधर, तो vx जो था वो माइनस में आ गया, मतलब समझ गए ना, वो तो है भी 4 ही, माइनस हो गया, इधर वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया इधर वाले के मुकाबले, क्योंकि ओरिजिनली तो इधर ही था vx, ओरिजिनली तो ऐसे ही जा रही है। अब अगर ऐसे देखें हम लोग, तो यहां पे कितना आ गया, 10 45 बराबर परपेंडिकुलर 8 माइनस vx, यानी 1 बराबर 8 माइनस vx कितना है 4 अपॉन vy। तो मेरे लाल यहां पे हमारे पास में vy कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, 8 माइनस 4, समझ गए? इट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड शैल बी 4i कैप माइनस 4j कैप, खत्म। लॉजिक इज क्लियर? बोलो यार यस और नो, ठीक है, कॉपी कर लो फिर खत्म करते हैं, कॉपी कर लो। चलो यार बच्चों, आई गेस ठीक है, ये हो गया होगा, मुझे पता है दिवाली फेस्टिव सीजन है ना आप लोगों को, ठीक है। वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से, एंड थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट सेशन रिवर बोट प्रॉब्लम्स का होगा, बहुत अमेजिंग सेशन है, मिस मत करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।